नमस्कार दोस्तों, मैं अदिति मनीष जोशी स्वागत करती हूँ आप सभी का। फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है वो स्पेशली डेडिकेटेड है उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे 3 से 4 साल के हैं, जिनका इस सेशन के लिए नर्सरी क्लास में एडमिशन होना था, प्ले ग्रुप में स्कूल भेजना था, पर कोरोना के चलते हम में से कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। तो मेरा एक प्रयास है, एक कोशिश है कि मैं आप सभी को एक प्रॉपर गाइडेंस दे सकूं कि आप घर में ही अपने बच्चों को किस तरह से डेवलप कर पाए, उसकी ग्रोथ ना रुके। कहा भी गया है ना कि माता ही बच्चे की प्रथम गुरु होती है। ये परिस्थिति एक चैलेंज है हम सभी माओं के लिए कि आज हम स्कूल नहीं भेज सकते तो क्या हम घर में ही अपने बच्चे को प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट दे सकते हैं। तो इस परिस्थिति में हम सभी को मिलके प्रूव करना होगा कि हम हमारे बच्चे की ग्रोथ को घर में भी रुकने नहीं देंगे। तो मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसका नाम मैंने दिया है मम्मास किंडरगार्टन। तो इस सीरीज के थ्रू मैं कोशिश करूँगी आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दे सकूँ कि आप घर में ही अपने बच्चे को स्टेप बाय स्टेप कैसे पढ़ाएं, ताकि आप उसका जो बेस क्लियर करना है उसमें कहीं आपको दिक्कत नहीं आए और आपका बच्चा कहीं दूसरे बच्चों से पीछे ना छूटे। तो हम हमारे वीडियो को आगे स्टार्ट करें उससे पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नर्सरी क्लास का सिलेबस क्या होता है। नर्सरी क्लास में बच्चों को 3 सब्जेक्ट्स की अगर अपन बात करते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स की, तो जब इंग्लिश का पार्ट रहता है उसमें अल्फ़ाबेट से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। अल्फ़ाबेट A to Z बच्चे को नॉलेज दी जाती है, उसे पहचानना, उसे बोलना और उसे लिखना सिखाया जाता है। सेकेंड आता है मैथ्स। मैथ्स में छोटे बच्चों को 1 to 20 तक की काउंटिंग से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। नेक्स्ट आता है हिंदी। हिंदी में छोटे बच्चों को स्वर जो होते हैं अ से अनार, आ से आम, उनका परिचय दिया जाता है, उन्हें लिखना एवं पढ़ना सिखाया जाता है। इसके साथ ही व्यंजन का एक ओरल परिचय दिया जाता है। और इसके अलावा कुछ आर्ट एक्टिविटीज भी होती हैं, तो मैं कोशिश करूंगी वीकली बेसिस पे एक वीडियो शेयर कर सकूं आप सभी के सामने इस सीरीज को लेके, ताकि हम प्रॉपर वे में अपने बच्चों को डेवलप कर पाएं। सिलेबस तो हम लोगों ने जान लिया कि नर्सरी क्लास का सिलेबस क्या है, पर वो सिलेबस बच्चों तक डाउनलोड कैसे करवाएं? तो हम 2 सीरीज में इसके लिए काम करेंगे। सबसे पहले तो हम बच्चे को फाइन मोटर स्किल्स की एक्टिविटीज डेवलप करवाएंगे। बच्चे की जो मसल्स होती है वो बहुत ही नाजुक होती है और बच्चे की जो ग्रिप होती है पेंसिल पे वो भी नहीं आ पाती है। तो पहले हमें कंसंट्रेट करना है, कुछ एक्टिविटीज हम घर में ही इस तरह की करवा पाएं कि हम बच्चे के फाइन मोटर स्किल्स डेवलप कर पाएं। और सेकेंडरी जो चीज़ रहेगी वो होगा, जो भी हमारा सिलेबस है हम उससे बच्चे को फैमिलियर करवाएं। हम डायरेक्ट बच्चे को पेंसिल दे देंगे लिखने के लिए तो बच्चा नहीं लिख पाएगा। तो जब तक हम उसे फैमिलियर करवा रहे हैं उसके सिलेबस से, उसे ओरली सुना रहे हैं, सिखा रहे हैं, पहचानना सिखा रहे हैं, तब तक हम साइड बाय साइड वो एक्टिविटीज ले सकते हैं जिससे उसके फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हों। अब बच्चे को हम ओरल तौर पे और क्या क्या एक्टिविटीज ऐसी करें कि बच्चे को हम जो उसका सिलेबस है उससे फैमिलियर करवा पाएं, तो वहाँ पे हम वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस हैं, आप वीडियोस की हेल्प नहीं लेना चाहते, आप खुद गा के सुना सकते हैं। और मैं एक चीज़ आपको यहाँ सजेस्ट करना चाहूँगी, यहाँ पे बच्चे की हम नींव क्रिएट कर रहे हैं, तो जो भी चीज़ आप बच्चे को सुना रहे हैं उसे बहुत ही एकदम सही शब्दों में आप बच्चे को प्रोनाउंस करके सुनाइए, ताकि बच्चा ना गलत सीखेगा ना आगे उसकी जर्नी उसको गलत प्रोसेस करने देगी। तो जब आप उसे अल्फाबेट बता रहे हैं तो स्टार्टिंग में आप उसको एज ए सॉन्ग A to Z तक दिमाग में रहना सिखाइए कि अल्फाबेट एक्चुअल होती क्या है। उसको गाने के थ्रू सिखाइए, ABCDEFG HIJK LMNOP LMNOPQRSTUVWXYZ। तो ये सब चीज़ें आप उसको पोएम के थ्रू लीजिए और बच्चे को याद करवाइए। सेकंड जब चीज़ आती है, हम हिंदी की बात करते हैं, तो उसको प्रॉपर सिखाइए अ से अनार। और जब आप उनको प्रोनाउंस करते हैं तो कोशिश कीजिएगा, कई लोग करते हैं ई से इमली, बड़ी से ईख, उसके बजाय बेटर रहेगा आप उसे इस तरह से सिखाए, आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं अह। जब हमारा प्रोनाउंसिएशन सही होगा
तो बच्चा भी सही चीज सीख पाएगा और बच्चा आगे जाके मात्राओं को लेके कंफ्यूज नहीं होगा। अगर उसे सही तरह से सुनेगा तो जब वो लिखने का उसका वक्त आएगा तब उसे वो लिखने में भी कंफ्यूज नहीं होगा। तो ये तो बात हुई उसे ओरल किस तरह से करना है। उसे पहचानना सिखाने के लिए मैं आप लोगों को इस तरह की एक बुक सजेस्ट करूंगी, मार्केट में आपको बहुत इजीली मिल जाएगी। ऑल इन वन करके बुक्स आती है जिसमें नर्सरी क्लास के बच्चों के सिलेबस के अकॉर्डिंग इंग्लिश, हिंदी और साथ ही मैथ्स और कुछ पोएम्स, इस तरह की चीज आपको मिल जाएगी मार्केट में इजीली। आप एक खर्चा उस चीज के लिए कर दीजिए ताकि आप बच्चे को केवल वीडियोस पे डिपेंड ना रखें। इन बुक्स के थ्रू भी बच्चे को आप सिखा पाए चीजों को पहचानना, रिकॉग्नाइज करवाना और बच्चे को एक एक चीज एक्सप्लेन कर पाए। बच्चा अ से अनार, आ से आम, हर चीज जिसमें दिखा के आप उसे समझा पाएंगे। लाइक सी फॉर कैट, कैट को एक्सप्लेन कीजिए, कैट को हिंदी में क्या कहते हैं, कैट आती है, कैट क्या करती है। उसे जो भी आप सिखा रहे हैं उससे थोड़ी सी एक आध स्टोरी सुनाइए तो बच्चे के मेमोरी में रहता है। ये तो बात हुई बच्चे को ओरल सिखाने के लिए। दूसरी चीज हुई हम उसे वर्ड जो रहते हैं, जो फॉर्मेशन होती है वो कैसे सिखाई जाए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी इस, अगर आप लाना चाहें तो तीन ऑप्शंस मैं आपको दे रही हूँ आपके पास जो अवेलेबल होता है। मेरे पास इस तरह का टॉय है बच्चों के अल्फाबेट वगैरह के लिए, तो इसमें पीछे मैग्नेट आती है और इस तरह की स्लेट भी इसके साथ आती है। ये बिना स्लेट के भी आता है जिसमें अल्फाबेट और नंबर्स आते हैं और इस तरह की स्लेट भी आती है। पीछे आप लिख के कुछ करवा सकते हैं एक्टिविटी और आगे आप इसे इस तरह से चिपकवा सकते हैं। ये मैग्नेट जो है फ्रिज वगैरह पे भी चिपक जाती है। इनके थ्रू बच्चा लेटर्स की पहचान करना सीखता है। ये देखिए लेटर्स की पहचान करना सीखता है कि बच्चा ये क्या है, ई। फिर आपने तीन चार रख दिए तो वो निकालेगा, आप बेटा इसमें से ई निकालो तो आपको निकाल के दिखाएगा। तो आप खेल खेल में बच्चों को सही अक्षर पहचानना सिखा पाएंगे। एक ये चीज हो गई, दूसरी ये एक्टिविटी हो गई। इस तरह के भी आजकल टॉयज बहुत चल रहे हैं जिसमें भी नंबर्स और अल्फाबेट्स मिलती है। तो इस टॉय की स्पेशलिटी क्या होती है ना, ये बाहर निकल जाते हैं तो यहाँ पे हमें नंबर्स या अल्फाबेट्स मिल जाते हैं और ये हो जाते हैं। तो बच्चा इनको देख के भी आराम से सीख सकता है। फिर जब हम फाइन मोटर स्किल्स डेवलप करेंगे तो आप उन्हें ये भी दे दीजिए ट्रेस करने के लिए। बच्चा इस तरह से ट्रेस करता है तो उसके जो लिखने की ग्रिपिंग होती है वो भी स्ट्रांग होती है और वो जो वर्ड फॉर्मेशन होता है वो चीज भी सीखता है। एक तीसरी एक्टिविटी हम क्या करवा सकते हैं, इस तरह के क्ले मार्केट में मिलते भी हैं और ये होममेड क्ले है, प्लेइंग डो है जो मैंने घर पे ही बनाया है। इस तरह के प्लेइंग डो से आप शेप्स बना सकते हैं, बच्चे को शेप्स बना के और वर्ड फॉर्मेट करना सिखा सकते हैं। देखिए लाइक ए, ये देखिए इस तरह से आप इस तरह के प्लेइंग डो की हेल्प लेके उसे खेल खेल में वर्ड पहचानना सिखा सकते हैं। एक तीसरी एक्टिविटी आप ये कर सकते हैं, एक प्लेट में आटा या सूजी ले लीजिए और आटा सूजी प्लेट में फैला के उससे आप वर्ड बनवाइए बच्चे से इस तरह से। तो वहाँ भी वो उसकी फाइन मोटर स्किल्स भी डेवलप होंगी और जो वर्ड वो देख रहा है सीख रहा है उन्हें वो उकेरना सीखेगा, उन्हें लिखना सीखेगा। सब एक्टिविटीज के अलावा आप अगर कोई खर्चा नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास न्यूज़पेपर या पेपर तो सभी के पास अवेलेबल हो सकता है। तो इस तरह की आप जो वर्ड्स की शेप होती है उनसे आप कटिंग कीजिए पेपर की, उसको कलरिंग कीजिए। आप चाहें तो इसे किसी हार्डबोर्ड पे या कार्डबोर्ड पे भी स्टिक कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे ही आप किसी दीवार पे भी स्टिक कर सकते हैं। तो आप इनके थ्रू भी उसे लेटर्स पहचानना सिखा सकते हैं और इसके साथ ही आप उसे कलरिंग दीजिए, प्लेन पेपर दे दीजिए और कलर्स दे दीजिए। कलर्स करने से उसके जो फाइन मोटर स्किल्स और पेंसिल पकड़ने की जो ग्रिप होती है वो स्ट्रांग होती है। और फाइन मोटर स्किल्स कैसे डेवलप करने हैं उस पर एक सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो आप जाके उसे जरूर चेक करें और वहाँ पे देखें कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो हमें हेल्प करेगी बच्चे को फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करने में। मैं उम्मीद करूंगी कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा और ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल रहेगी।
अगर आपको मेरी सीरीज पसंद आ रही है और आप मेरी इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ये वीडियो और लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहे। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरे जो भी वीडियो अपलोड होते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।